चलो भाई ये तो ले लिया सामान जो थोड़ा बहुत रह गया था। अब ये चेक करो यार, ये डिक्शनरी मंगवाई है ऑक्सफोर्ड की है। ये फिजिक की बुक्स आ गई हैं सारी। ये है भाई मौसा की बुक्स, रिसेप्शन की आ गई है सारी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब यार। काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग आ रहा है और इस वक्त हम लोग निकले हुए हैं बच्चों की जो स्कूल ओपन होने वाले हैं ना, तो बच्चों की लेने निकले हुए हैं जो पेंसिल्स शार्पनर्स रबर्स वगैरह वो ले रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग आए हुए पांच चले दुकान पे, तो यहाँ पे मिल जाती है सस्ती। जो चीज़ें यहाँ से मिलेंगी वो लेंगे, अब जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी वो फिर अफनान पर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग अभी यहाँ पर फिर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे शहनाज, वहाँ पे शूज़ आ गए हैं बच्चों के, शूज़ उठा के लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गए हैं। और आपने क्या लिया? स्लाइम। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली हैं, ग्लू वगैरह और जो पेंसिल्स हैं और ये ए फोर बैग्स हैं, ये पेपर्स हैं, ये सब यहाँ पे पाँच पाँच में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ें दूसरी शॉप में जाएँगे तो आप वहाँ पर आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। ये क्या है? ये पेन है कलर चेंजिंग, ये मूसा के लिए भी है इसके लिए। अच्छा चलो ले लो, यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और सस्ती प्राइसेस में मिल जाती हैं। स्कूल्स ओपन होने वाले हैं ना, तो इस वजह से अभी ये सारा सामान आ गया। ये सारा पेंसिल्स का सेक्शन है, ये वाटर बॉटल का सेक्शन है, ये आगे सारी नोटबुक्स हैं, ये देखें। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कलर्स वगैरह, ग्लू वगैरह, ये शॉर्पनर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे, टॉयज़ वगैरह भी हैं बच्चों के। और हमारा काम मुझे लग रहा है 50% तक जहाँ तक होगा यहाँ से, बाकी 50% हमें अफनान जाना ही पड़ेगा। और बुक्स वगैरह भी पता करते हैं स्कूल की, स्कूल से बुक्स मिल रही हैं लेकिन वो सुना है कि पूरी नहीं मिल रही हैं, पूरी नहीं आई अभी। और ये सुना है कि अफनान से सारी मिल रही हैं, तो वो जाके लेके आते हैं। जी आ जाए मेरा बेटा। ये है भाई रबर शॉपनर्स का सेक्शन, स्केल्स, ये भी सब रबर शॉपनर्स हैं। ये ड्राइंग बुक्स हैं, ये सब सीजर्स हैं, ये सब ग्लू सेक्शन है, ये भी चाहिए भाई। यहाँ पे कपड़ा शपड़ा भी है, सॉक्स देख लें, सॉक्स। ये वो वॉलपेपर्स हैं जो मैंने अपने किचन में लगाए थे, मेरे ख्याल में दोबारा लगाने वाले हो गए हैं अभी। ले भी मूसा का सामान आ गया, अभी खिजर की बारी है। पकड़े कौन सा लेना है, ये क्या कलर है, मामा को दिखा दें। हाँ ये अच्छा लग रहा है, बस ठीक है ये ले लो। अभी यहाँ से फाइलें लेनी है जी डिफरेंट कलर्स की, ये अजीब वैसे यार। अच्छा जी ब्लू। स्कूल वालों के बिना अजीब ही चश्के हैं भाई, फाइल्स लेकर आओ, ग्रीन येलो ब्लू, छः सात फाइलें लेकर आनी है और अलग अलग कलर की लेकर आनी है, सुभान अल्लाह। अभी हो गया ये मूसा का हो गया, अब चलते हैं नीचे, टिश्यूज़ वाइप्स और कुछ और चीज़ें लेनी है नीचे से मिलेंगी। चलो भाई नीचे चलते हैं, ये काफ़ी बड़ी शॉप है। पहले यहाँ पे सिर्फ पाँच छल की चीज़ें मिलती थी, अभी 5 + 10 = 15 वाला भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने लेने हैं यहाँ से ये टिश्यूज़ और वाइप्स, ये वाले वाइप्स हैं, ये अच्छे होते हैं 5-5 साल के। टिशू बॉक्सेस लेने हैं, रोल ले लें या कुछ और ले लें यार, जरूरी तो बॉक्सेस थोड़ी ना लेने हैं। ये आगे बढ़े हुए हैं, ठहरे में लेके आता हूँ। 4 और 3 7 चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें यार। ये भाई 3 हो गए मूसा के और 4 हो गए फिजर के।
अभी भाई हैंड सैनिटाइजर्स लेने हैं, वो इधर होंगे बेटा इस साइड पे। नहीं ये हैंड सोप्स हैं, हैंड सैनिटाइजर नज़र नहीं आ रहे। क्या एडिडास का? दिखाएं अभी तो है घर में बेटा। सुफरा भी चाहिए भाई, अजीब यार सुफरे की क्या जरूरत पड़ी हुई है। चलो जी ये भी लेना है अभी कपड़ा सफाई वाला। लो भाई अभी काउंटर पे आ गए हैं। ले भाई ये शूज़ लिए थे पहले, अभी ये आ गया सारा इनका स्टेशनरी का सामान तकरीबन हो ही गया पूरा। ये शूज़ आपको घर जाके दिखाते हैं। ये है भाई दुकान का नाम और वो है इत्तेहाद क्लब, ठीक है सारा सहाफा उसके बिल्कुल के सामने। चलें भाई अभी हम जा रहे हैं अफनान और वहाँ से पता करते हैं बुक्स का और थोड़े बहुत स्टेशनरी का सामान रह गया। अभी जो हमने मूसा के स्टेशनरी लिए ना, जब खिजर इस ग्रेड में था तब तकरीबन इससे 2-3 गुना ज़्यादा था जो इन लोगों ने मंगवाया था। इसमें पूरे एक साल का स्टेशनरी मंगवा लेते हैं स्कूल वाले, अजीब ड्रामेबाजी है। और पूरा साल रखते हैं और एंड में फिर यूज़ भी नहीं होते, सारा सामान मोस्टली सामान वापस भी आ जाता है, काफ़ी हद तक सामान वापस आ जाता था। फिर पेरेंट्स ने दिमाग खाया है भाई क्या तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। तो खैर अभी इन लोगों ने जो क्वांटिटी है ना स्टेशनरी की वो थोड़ी कम कर दी है। तो अभी रह गई बुक्स लेने वाली। बुक्स तो स्कूल में भी मिल जाएंगी लेकिन हम लोगों को स्कूल का रेट का पता है, अब यहाँ से पता करते हैं अफनान में कि यहाँ पर क्या रेट है, फिर कंपेरिजन करेंगे। और सुना है कि स्कूल में भी अभी पूरी बुक्स नहीं आई हैं तो अफनान में शायद आ गई हैं, पता करते हैं क्या सीन होता है। अफनान इस टाइम क्लोज है नमाज की वजह से, अभी ओपन होगा थोड़ी देर तक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ओपन हो गई हैं। और ये है जी फेमस तरीन चटकारा चाट अजीज़िया मनारा मार्केट का। इस वक्त नमाज की वजह से सब कुछ क्लोज है। लो भाई ये ओपन हो गया अफनान, चलते हैं अंदर। चलो भाई ये तो ले लिया सामान जो थोड़ा बहुत रह गया था। अब ये चेक करो यार, ये डिक्शनरी मंगवाई है ऑक्सफोर्ड की है, 75 रियाल की है। ओहो अफनान साहिब, अब आपको मैं कंपैरिजन बताऊँ इसका अफनान का और 5 रियाल दुकान का। मैंने सेम यही लिया ना वहाँ से 5 रियाल का, यहाँ पे कितने का है 12 रियाल। यही कंपैरिजन है आपका अफनान का और उस 5 रियाल दुकान का। सब चीज़ें तो वहाँ पे नहीं मिलती हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ये ड्राइंग बुक वहाँ पे 5 रियाल की है, यहाँ पे 12 रियाल की है। समझ रहे हैं आप कंपैरिजन, सेम चीज़ है। ये भी वहाँ पे 5 रियाल की लगी हुई थी, यहाँ पे 7 रियाल की है। ये फ़र्क है यहाँ के प्राइसेस का, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। यहाँ पे एक शॉपनर जो है 4 रियाल का, वहाँ पे कोई 5-6 शॉपनर्स थे एक पैकिंग में, वो 5 रियाल के थे। समझ रहे हैं आप बातों को। ये है भाई बाई 3 की बुक्स, अब ये देखते हैं यहाँ पे कितने की हैं। ये खिजर की बुक्स आ गई हैं सारी, एक बस बुक नहीं मिली इसमें लिस्ट में। अब देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। ये है भाई मूसा की बुक्स, रिसेप्शन की आ गई है भी सारी। अच्छा जनाब सीन ये हुआ है कि मैंने भाईजान से थोड़ी सी बहस कर ली, जो अफनान वाले भाई थे, मैंने बोला आपका थोड़ा स्टेशनरी का जो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो खैर वो बहस करना शुरू कर गए थे और वो ब्रांड का कुछ कह रहे थे कि ब्रांड में फ़र्क है। तो खैर फिर बुक्स ले ली हैं हम लोगों ने बच्चों की। स्कूल का प्राइस जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे मिली है सस्ती। खिजर की भी सस्ती मिली है और मूसा की भी सस्ती मिली है, यानी कि आप समझ लें कि खिजर की कितनी सस्ती मिली है, तकरीबन 150 रियाल सस्ती मिली है खिजर की। और मूसा की मुझे सस्ती कितनी मिली है, तकरीबन 200 रियाल मूसा की सस्ती मिली है मुझे। असल में ये होता है कि वहाँ पे वो लोग वैट ले रहे हैं तो ये लोग वैट नहीं ले रहे हैं, और वैट का भी फ़र्क आ जाता है। वैसे भी प्राइस में इन लोगों ने डिस्काउंट काफ़ी किया है, तो अब खुद ही हिसाब लगा रहे हैं कि Y3 की जो
मुझे एक डिस्काउंट मिला है कंपैरिजन जो कंपैरेटिवली जो PESJ जो इनके स्कूल का है वहाँ की नस्बत यहाँ पे मुझे सस्ती मिली किताबें और YR की भी मुझे यहाँ पे सस्ती मिली हैं, क्योंकि मैंने प्राइस लिस्ट जो थी वहाँ पे प्राइस जो अपलोड हुई है वो मैंने टोटल करके आया था यहाँ पे, तो काफ़ी फ़र्क निकला यार। यानी तकरीबन YR और Y3 दोनों का मुझे कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए ना दोनों का स्कूल का और यहाँ का तकरीबन 300 के लगभग मुझे फ़ायदा हुआ यहाँ पे बुक्स का, फ़ायदे में रहे यार। अभी भाई हम लोग निकल चुके हैं किताबें लेकर और अभी आए हैं मुन्ना भाई के पास सब्जियाँ लेने, तो यहाँ पे पार्किंग नहीं होती है और मुझे उतरना पड़ता है, मुझे बल्कि बैठना पड़ता है। बेगम गई है और खिजर क्या हुआ सब्जी लेने। आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार हमें तो कभी डिस्काउंट नहीं मिला है, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको फ़ायदा हो जाता है जिनको डिस्काउंट मिल जाता है, हमें तो आज तक नहीं मिला, ऐसे कौन से लोग हैं? हम भी उनमें से एक हैं। ये पता नहीं ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा शायद डिस्काउंट मिल गया ऐसा, तो हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा महंगी चीज़ें लेके आते हैं और वो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि यार हमें तो बड़ा सस्ता मिला, यार हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तो हमें वही चीज़ महंगी मिलती है। तो हम लोग सोचा करते थे बल्कि सोचते हैं अभी भी कई दफ़ा कि यार वो कौन लोग हैं जिनको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। चलो भाई आज बड़ा ही शॉपिंग हो गई है बच्चों की, जाके आपको दिखाते हैं सारा एक दफ़ा। आप लोग ये ना समझना कि ये वाइपर भी स्टेशनरी में आया। जब आप थक टूट के आ जाए ना और आपको घर आते ये मिले फ्रेश ठंडा जूस ऑरेंज का, कमाल हो जाता है यार। समटाइम ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हो ना तो मैंने ये पीना है या ये खाना है और उसी वक्त आपको मिल जाए, इतनी खुशी होती है कि जिसका हिसाब नहीं है। क्यों मूसा है ना? अच्छा भाई शूज़ तो आप लोगों को दिखाए नहीं, ये है भाई मूसा के शूज़, ये लिए हैं हमने वहीं शहनाज से जहाँ से हमने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म लिया था इनका। और ये रहा भाई खिदर का शूज़ यूनिफॉर्म का। तो जी जनाब ये थी भाई हमारी आज की शॉपिंग और दिमाग कसम से फुल टाइम ख़राब हो जाता है। मैं फ्रिज में आया हूँ कुछ देखने के लिए, बहरहाल ये चीज़ें लेनी तो हैं भाई, बंदा खुद टाइट हो जाता है, बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे बस। खैर वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस अगर देखनी हो तो सब्सक्राइब क्लिक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत हुकूमत अली उस्मान गनी।